वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी एवरीवन। देखिए 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूपीपीएससी वाले हैं, 2 दिन का समय से ऐसे अच्छे से रिविज़न करते रहिए, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2019 इंटरनेशनल माउंटेन डे IMD की थीम क्या है? कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया, मतलब कल ही मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2019 की जो थीम है वो क्या है? माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। क्या है? माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। तो पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और पहाड़ों के विकास पर जोर डालने के लिए हर साल 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे IMD मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2019 की जो थीम है वो माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ है। यह थीम युवाओं पर केंद्रित है ताकि वे परिवर्तन में सक्रिय एजेंटों के रूप में और कल के भविष्य के नेतृत्व के रूप में आगे आ सकें। बच्चों और लोगों को पहाड़ों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि पहाड़ ताज़ा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंकिंग है वो 129 है। कौन सी है? 129वीं। इसको कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने एक पायदान का सुधार करते हुए 129वां स्थान प्राप्त किया, मतलब पहले कितनी होगी? 130 होगी। तो UNDP की भारत में स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत जो है ना 2005-06 से 15-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है उसने, जिसके चलते ये रैंकिंग उसको प्राप्त हुई है। पिछले 3 दशकों में हुए विकास कार्यों की वजह से भारत में एक रैंकिंग का इजाफा हुआ है, मतलब भारत की रैंकिंग जो पहले थी 130 थी और इस साल कितनी है? 129 है। भारत में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और सुविधाओं तक पहुँच में बढ़ोतरी के कारण भी रैंकिंग में सुधार हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले और दूसरे स्थान पर है, ये बताइए जरा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 जो निकाला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, प्रथम और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर नॉर्वे और दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और भारत का इसमें 129वां स्थान है और पिछले वर्ष कितना था? 130वां था। तो मानव विकास सूचकांक में जो टॉप 10 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान रहा, चौथा आयरलैंड, पांचवा जर्मनी, छठा आइसलैंड, सातवें पर हांगकांग है, स्वीडन 8वां स्थान है और 9वें स्थान पर सिंगापुर है, 10वां है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लंदन चेस क्लासिक का खिताब किसने जीता है? लंदन चेस क्लासिक जो एक चेस प्रतियोगिता है, तो किसने जीता है इसका खिताब? आर प्रज्ञानंद ने मात्र 14 वर्ष की आयु में खिताब जीता है। यही हैं आर प्रज्ञानंद जिन्होंने लंदन चेस क्लासिक का खिताब जीता है। तो ये देखिए 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चली थी और लंदन में आयोजित की गई थी। लंदन चेस क्लासिक आर प्रज्ञानंद ने जीता मात्र 14 वर्ष की आयु में इसका खिताब। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत किस पायदान पर है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? देखिए भारत 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भारत? 9वें स्थान पर है। तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पर संपन्न हुआ ये, और इसका जो पहले होस्ट करना था चिली के सेंटियागो में होना था, लेकिन उसने असमर्थता जताई। उसकी असमर्थता जताने के बाद ये स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में संपन्न हुआ। इसको COP25 के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत का 9वां स्थान है, याद रखिएगा। तो देखिए भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI
में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन से उबरने के लिए एक भगीरथ प्रयासों का ही नतीजा है। और वहीं जो अमेरिका है उसकी जो स्थिति है सबसे खराब है, सबसे खराब देशों में शामिल है वो। और यहाँ तक कि कोयला उद्योगों के दम पर अब भी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब भी अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हैं। तो COP25 जो चिली में संपन्न होना था अब हुआ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में, जिसमें भारत का नवा स्थान है। स्पेन की जो कैपिटल है, राजधानी मैड्रिड में COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मंगलवार को CCPI रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है, हालांकि यह अभी तुलनात्मक रूप से कम है। मतलब और नीचे आना पड़ेगा ना और अच्छा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए राष्ट्र स्तर पर है नाडा, राष्ट्रीय स्तर पर है नाडा, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? वाडा। इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? वाडा। वाडा ने अभी प्रतिबंध किस पर लगाया है? रूस पर लगाया डोपिंग के मामले में। तो अब नाडा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हाल ही में सुनील शेट्टी को बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सुनील शेट्टी हैं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मंगलवार को नाडा ने खुद इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। नाडा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में साथ मिलकर एंटी डोपिंग जागरूकता कार्यशालाएं सभी फुटबॉलरों के लिए चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 150 रणजी मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए। भारतीय रणजी टीम में 150 मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या? वसीम जाफर। क्या है? वसीम जाफर है। और सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी में इन्हीं के नाम है। और इस बार की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? विदर्भ ने जीती लगातार 2 बार से। तो अनुभवी बल्लेबाज वसीम जाफर सोमवार को 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं भारत के। और पिछले 2 वर्षों में विदर्भ को खिताब दिलाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। ये 41 वर्ष के हैं और आंध्र प्रदेश के खिलाफ ग्रुप ए के मैच में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की। रणजी में सबसे ज़्यादा 40 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। जाफर जो हैं रणजी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका नाम वसीम जाफर, 11,775 रन इन्होंने बनाए, ये हैं देखिए वसीम जाफर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मतलब कब? 11 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C-48 ये रॉकेट का नाम है, इस रॉकेट के द्वारा एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया बताइए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है RESET-2B-R1। क्या है? RESET-2B-R1। तो यही है RESET-2B-R1 जो लॉन्च किया है इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो हाल ही में भारत ने PSLV C-48 ये रॉकेट है, और रॉकेट के द्वारा RESET-2B-R1 नामक 628 किलोग्राम भार वाले सैटेलाइट मतलब उपग्रह को 576 ऊंची पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। रॉकेट मतलब एक तरह से ले जाने वाला। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कहीं सेंटर पड़ा, तो जो आप जिस साधन से जाएंगे, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर बस से जा रहे हैं या फिर प्लेन से जा रहे हैं, तो वो क्या है, एक यहाँ पर क्या है, वाहन है मतलब रॉकेट है, तो आपको क्या करेगा, गंतव्य स्थान तक पहुँचा देगा। आप मतलब ये हैं और गंतव्य स्थान है ये, और जाने का साधन क्या है ये। तो इसी तरह से यह है पृथ्वी की कक्षा, यह है उपग्रह, अब इसको इसमें डाला, इसको उड़ाया, यहाँ पहुँचाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLR स्पेस लॉन्च सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने नहीं किया, यूरोपियन यूनियन ने नहीं किया, इसरो ने भी नहीं किया, ये नासा ने किया है। नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसको नाम दिया गया है, हाल ही में लॉन्च किया, यही है स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक रॉकेट। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम, स्पेस लॉन्च सिस्टम जिसको SLS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक अमेरिकी
विकासाधीन प्रक्षेपण यान है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और मंगल की सतह पर उतारने में किया जाएगा। अब इसका कार्य क्या है? कार्य है इसका एक प्रक्षेपण करता है। निर्माता कौन है? इसका नासा निर्माता है। मूल देश क्या है उसका? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 64.6 मीटर, मतलब 211 फीट 11 इंच। ब्यास कितना है? 8.4 मीटर, मतलब 27 फीट 7 इंच कोर स्टेज में। और चरण कौन सा था इसका? दूसरा था। पहले चरण में क्या होगा? कुछ दिक्कत आई होगी, प्रक्षेपण नहीं हो पाया होगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने, मतलब होम मिनिस्ट्री ने, निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल को केवल खादी यूनिफॉर्म पहनने के आदेश दिए हैं? तो BSF को भी दिए हैं, CRPF को भी दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। इसके अलावा ITBP को भी दिए हैं, NSG को भी दिए हैं, असम राइफल को भी दिए हैं। अभी तक पहनते थे वो टेरिकोटा पॉलिस्टर, अब पहनेंगे केवल खादी, मतलब खादी भी पहनते थे लेकिन अब केवल खादी अनिवार्य कर दिया है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने CRPF, BSF, ITBP, CISF, NSG और असम राइफल को केवल खादी यूनिफॉर्म पहनने के आदेश दिए हैं। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को इसकी संभावना तलाशने को कहा। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इन्हीं का फुल फॉर्म है ये, भारत तिब्बत पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल के जवान युद्धकाल या शांतिकाल में हर वक्त खादी से तैयार वर्दी पहनेंगे। और बता दें कि अभी अर्धसैनिक बल वर्दी के लिए कॉटन और टेरी कॉटन के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश के बाद केंद्रीय बलों ने जवानों की वर्दी के लिए कपड़े खरीदने के लिए केंद्रीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग से बातचीत शुरू कर दी है। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिविज़न करना। और आज के प्रश्न का आंसर करिएगा, दुनिया के अग्रणी खेल पर्यटन के रूप में 26वें वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये राजधानी है किसी देश की, क्या वो गुवाहाटी है, क्या वो टोक्यो है, क्या वो मैड्रिड है, क्या वो अबू धाबी है? तो यहाँ बात असम से हो गई, जापान से हो गई, UAE से हो गई या फिर स्पेन से हो गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर करना। सो टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि बाद का वर्डन जो है वो कम हो जाए। धन्यवाद।